स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट ड्राइंग, चैप्टर नंबर 9, टॉपिक है डिज़ाइनिंग। यहाँ पे हम नेचुरल डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, ओवरलैपिंग। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये ड्रॉ करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं हो तो ड्राइंग बुक के अंदर आपको 6 इंच बाय 6 इंच यानी कि हाफ स्केल 6 इंच बाय 6 इंच स्क्वायर बनाना है और उसके अंदर ये ओवरलैपिंग डिज़ाइन तैयार करना है। अंदर डिज़ाइन के अंदर लीव बनाना है, नेचुरल ड्राइंग लीव है। तो सबसे पहले लाइटली आपको लीव बनाना है। यहाँ पे जो लीव आप बनाते हो तो वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी हिसाब से जो स्क्वायर है उसका 1/4 पार्ट के अंदर यहाँ पे मैंने लीव बनाया है। जैसे आप अपनी ड्राइंग बुक के अंदर अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख सकते हो, आपको लाइटली बनाना है सबसे पहले और परफेक्ट बन जाने के बाद आप फिनिशिंग से बना सकते हो। ये लीव जो बन गया है अभी उसके सामने सेम वैसा दूसरा लीव बनाना है, यानी कि उस शेप में अभी जो दूसरी दो स्पेस है वहाँ पे दूसरे लीव बनाने हैं। दूसरी पैटर्न से हम लीव बनाएंगे। आप अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नेचुरल कोई भी दूसरे लीव भी बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, पर अभी यहाँ पे जो ये लीव आपको दिखाया है, जो डिज़ाइन दिखाई है, उस हिसाब से ही आपको अपनी टेक्स्ट बुक या ड्राइंग बुक के अंदर ड्रॉ करना है। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क पेंसिल से डायरेक्ट बनाता हूँ, पर आपको लाइट पेंसिल से यानी कि HB पेंसिल से पहले बनाना है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक आए तो आप प्रॉपर इरेज कर सकते हो। डार्क पेंसिल से अगर आप करोगे और मिस्टेक होगी तो इरेज करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, पिक्चर आपका जो है वो डर्टी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो लीव है थोड़ी वेव्स लाइन के शेप में लीव है। यहाँ पे साइज का आपको ध्यान रखना है, एकदम छोटा भी ना हो जाए और बहुत बड़ा भी नहीं बनना चाहिए। अभी सेम ये शेप में आपको सामने की ओर दूसरा लीव बनाना है।
हमारे लीव जो है वो रेडी हो गए हैं। अभी इसके ऊपर लाइनिंग के माध्यम से हम ओवरलैपिंग करेंगे, कोई भी एक जगह से हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है उस हिसाब से लाइनिंग ओवरलैपिंग करने का आपको ट्राई करना है। जितना हो सके उतना कॉपी टू कॉपी बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जो बाद में हम कलर फिलअप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इस हिसाब से वन बाय वन लाइनिंग हमें करनी है। ये जो लाइनिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से हमें बनानी है, ज़्यादातर बीच बीच में रुकना नहीं है। जितना लाइनिंग के अंदर कंटिन्यूटी आएगी उतना परफेक्शन आपका ज़्यादा आएगा। यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैपिंग लाइनिंग हमें बनानी है। यहाँ पे थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो रखा है, आप प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से समझ सको उसके लिए ऐसा प्रयत्न किया है। यहाँ पे हमारा जो पिक्चर कंप्लीट हो गया, अभी उसके अंदर आउटलाइन करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, वो वाटरप्रूफ जेल पेन होनी चाहिए, या प्लेन जो ब्लैक पेन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्केच पेन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम बॉर्डर सबसे पहले कर रहे हैं, बाद में कलर फिलअप करना है। तो उनसे क्या होगा कि स्केच पेन से अगर आप बॉर्डर करते हो और बाद में वाटर कलर उसको टच हो जाएगा तो जो स्केच पेन का जो बॉर्डर किया है वो स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो कलर आपने फिलअप किया है वहाँ पे ब्लैक टोन आ जाएगा और रिजल्ट ये आएगा कि आपका पिक्चर ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर वे है, यहाँ पर हमने ये ब्लैक पेन से हम बॉर्डर करेंगे। Thank you.
इस तरह से एकदम अच्छे से हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अभी हम कलर फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले हम येलो कलर करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तौर पे आपको कलर फिलअप करना है कि बॉर्डर को टच नहीं करना है, बॉर्डर सभी जगह से बॉर्डर से थोड़ा छोड़ के हमें कलर करना है। और जितने जितने पोर्शन में सेम कलर है तो उसका कलर आप एक साथ ही आपको बनाना है, क्योंकि कलर टोन चेंज ना हो जाए इसके लिए एक साथ ही आपको कलर बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है, तो जितने भी जगह पे येलो कलर करना है तो उसका कलर एक साथ हम बना लेंगे। और दूसरा कि कोई भी अगर आप कलर फिलअप करो तो ब्लैक कलर के सिवा कोई भी कलर आप फिलअप करो तो उसके अंदर थोड़ा सा 5% व्हाइट कलर उसमें मिलाओ, तो वाटर कलर की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और कलर आप फिलअप करते हो बाद में सूखने के बाद ड्राई हो जाने के बाद वहाँ पे दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे, एकदम जैसे प्रिंट किया हो उस तरह से कलर हमें दिखाई देगा। यहाँ पे छोटे पोर्शन में कलर करना हो तो उसके लिए आप राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हो, 0 नंबर 1 नंबर या 2 नंबर का जो पेन ब्रश आता है उसका आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे बड़ा पोर्शन है वहाँ पे फ्लैट ब्रश का भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो कलर जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे खास ध्यान रखना है बॉर्डर को टच नहीं करना है, बॉर्डर से थोड़ा छोड़ के आपको कलर फिलअप करना है। यहाँ पे येलो कलर सारी जगह पे हो गया है, अभी दूसरा कलर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, तो जहाँ पे भी ऑरेंज कलर है उसको एक बार में हम कलर बना लेंगे और जैसे आगे कहा उस हिसाब से 5% जो भी आप कलर बना रहे हो उसमें थोड़ा सा 5% जितना वाइट कलर ऐड करना है, तो फिर आप देखोगे एकदम स्मूथली कलर होगा और ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाएगी। जहाँ जहाँ रेड ऑरेंज कलर है वहाँ पे हम ऑरेंज कलर कर देंगे। अभी इसके बाद दूसरा जो है कलर वो पिंक कलर है, तो भी आप देख सकते हो कि बॉर्डर से थोड़ा छोड़ के हमें कलर करना है। ये जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट आपको नई टेक्निक है, यानी कि ये थोड़ा टेक्निक जो है वो चेंज है। यहाँ पे हम बॉर्डर छोड़ देंगे, बॉर्डर को कलर नहीं करना है, वाइट स्पेस से पूरी हम व्हाइट जो बॉर्डर है वो एम्बोस हो जाएगी। जहां पे भी पिंक कलर है वो सभी जगह हम पिंक कलर से फिलअप कर देंगे। आपका पेंटिंग ख़राब ना हो उसके लिए नीचे आपको अपने हैंड के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा भी रख सकते हो। अभी हम यहाँ पे रेड कलर यूज़ करते हैं। ब्रश को अगर आप जो इसको कैरी करते हो इसको हैंडल करते हो तो जो स्टील का जो हिस्सा है उसके ऊपर से आपको हैंडल करना है। अभी यहाँ पे हम डार्क ग्रीन कलर फिलअप करेंगे। बॉर्डर करने के लिए यहाँ पे मैंने राउंड ब्रश का यूज़ किया है, आप छोटा फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो।
परफेक्ट कलर करने के लिए पूरे पोर्शन में कलर करने के बाद ब्रश को पानी में रख के साफ कर दो और जो भी कलर है उसमें बराबर ब्रश को रख के कलर को मिक्स कर दो और हल्के से पूरे पोर्शन में एक बार फिर से अगर आप कलर करते हो तो सारी जगह पे फिनिशिंग आ जाएगा, यानी कि एक समान कलर सारी जगह पे आ जाएगा। जहाँ पे भी डार्क ग्रीन है वहाँ पे हम डार्क ग्रीन कर देते हैं और लाइट ग्रीन या जहाँ पे है वहाँ पे लाइट ग्रीन कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम वायोलेट कलर फिलअप करते हैं। बड़े पोर्शन में आप फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हो। फ्लैट ब्रश से क्या होगा कि कलर को आप आसानी से खींच सकते हो और जल्दी से फिलअप हो जाएगा। वाटर कलर करते समय आपकी जो ड्राइंग बुक या टेक्स्ट बुक है उसके नीचे एक कप प्लेन कागज़ का टुकड़ा रख के आप कलर करो, वरना पीछे की ओर जो पेज है उसमें प्रिंट कलर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको डिज़ाइन तैयार करना है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक नहीं हो तो ड्राइंग बुक के अंदर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।